वो मेरा पहला रील था जो की मैंने उनका देखा हुआ था वो मुझे काफी सुंदर लगा मेरा मतलब ड्रीम था जब भी मैं सर को पहली बार देखूं तो सर को तो मैं मुस्कुराते हुए देखना चाह रहा था मैं उनका एक लव्य हूँ हालांकि नहीं मांगा है मैं उनको फेस करने के लिए तैयार हूँ और अपनी पूरी कोशिश करूंगा और प्रशासन मेरे साथ साथ है मैं एक प्रशासन का एक हिस्सा बनने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है भगवान का आशीर्वाद है कि सबका साथ होगा और सबका ही विकास होगा और जो हमारा सपना है वसुदेव कुटुम का जिसको हम लेकर चल रहे हैं हमारे है, हम उसको अच्छा आपने पूरी तरीके से सेल्फ स्टडी की आ, इस बीच आप वीडियोस देखते थे कई टीचर्स के जो अच्छे खासे प्रोफेशनल्स हैं उनके इंटरव्यूज देखा करते थे विकास देवी सर आपके इंस्पिरेशन थे हाँ विकास देवी कीर्ति सर के बारे में जब भी प्रपेशन स्टार्ट किया तो बहुत से बच्चों ने बोला कि मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए तो पहले तो मैम मेरे लिए एक जेन्यू ही एक सरप्राइज़ था मुझे मेरी, मेरी लाइफ में मिल जाना एक रास्ता मिल जाना कि हाँ अब इससे ही मुझे मेरी मंजिल तक जाना है देन प्रपेशन स्टार्ट किया उस समय कोचिंग इंस्टीट्यूट टूट्स के लिए लोगों ने बोला कि नहीं आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर पाओगे और आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने पड़ेंगे तो मैं एक दो कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया भी हूँ दिल्ली के अंदर लेकिन मैंने देखा मैम कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वो फ्रेंडली नहीं है।, आ, कहीं है कहीं पर सीढ़ियाँ हैं कहीं पर मैं एक जगह गया और वहाँ पर चार लोग मुझे उठा के ऊपर लेके गए वहाँ पर वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं थी मेरा मैम आइडिया ही यही है कि मैं एक यूनिवर्सल डिज़ाइन के लिए काम कर रहा हूँ और हर कहीं पर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जैसे कि यहीं पर हमने देखा था कि दो लोगों ने बिलचर से बिलचर को उठाना पड़ा तो हर जगह ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो और कई आ, हम जानते हैं कि क्योंकि मैंने आपसे सवाल विकास सर को लेकर किया आ, थी, थी. कि कहां मतलब वो इंस्पिरेशन पहली बार तो कहां से आई क्योंकि मैंने आपको कहीं कहते सुना कि कोई रील थी आप हा, 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 कौन सी रील थी वो मतलब वही है ना कि उन्होंने बोला हुआ कि क्यों डरे के जिंदगी में क्या होगा कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा तो वो मेरा पहला रील था जो तो कि मैंने उनका देखा हुआ था तो वो मुझे काफी सुंदर लगा वो काफी समझदार व्यक्ति हैं काफी व्यक्ति हैं और जब मैं पहली बार उनसे मैं मिला तो मेरा मतलब ड्रीम था जब भी मैं सर को पहली बार देखूं तो सर को तो मैं मुस्कुराते हुए देखना चाह रहा था और जब मैं सर को देखा तो सर के चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ साथ में इतना गर्व था वो बहुत खुश थे जब वो मुझसे मिले और मेरे लिए भी एक बड़ा आ, इतना बड़ा मोमेंट था कि मैं जो सबका इंस्पिरेशन होता है मेरे भी एक आइडियल है सर मैं सर के मोस्टली जो भी वीडियोस मार्केट में अवेलेबल है जो कि यूट्यूब पर फ्री में एक्सेस एक्सेस हैं मैंने वो सारे वीडियोस आ, सर के देखे हैं मैंने और भी टीचर्स के वीडियो देखे हुए हैं तो सर का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है सर बिहाइंड द सीन सर ने काम किया है बिना ही उनको उनको खुद नहीं पता है कि उनका रोल मेरी लाइफ में क्या है और अगर वो थे इसलिए प्रोफेशन में भी मुझे काफ़ी हेल्प हुआ उन्हीं के मैंने एथिक्स के लेक्चर टेलीग्राम से डाउनलोड करके मैंने पढ़े और उसमें मेरे एथिक्स में एक नंबर हैं तो विकास है। तो, कीर्ति सर का तो धन्यवाद जैसे शब्द तो, तो बहुत छोटे हैं मैं सर का मेरे लिए बहुत ऊंचा सम्मान है और हमेशा ही रहेगा और मैं चाहूँगा कि सर आ, सर भी अपना प्यार आशीर्वाद इसी तरीके से बच्चों को जाने और अनजाने बांटते रहें ताकि और भी सूरज हैं जो तो चमकते रहें और दुनिया को रोशन करते रहें मतलब यूँ कहें कि आ, आप उनके विकास सर के स्टूडेंट नहीं होते हुए भी स्टूडेंट थे आप उनके जी मैं ऐसे और उन्हें पता भी नहीं था जी 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 जी, जी, जी. आ, हमारे स्टोरी में एक हम स्टोरी पढ़ते है एकलव्य और द्रोणाचार्य की तो मैं उनका एकलव्य हूँ हालांकि उन्होंने मेरा अंगूठा नहीं मांगा है <laughs> उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है बहुत उम्मीद दी है अच्छे जीवन की शुभकामनाएं दी हैं लेकिन वो मेरे द्रोणाचार्य हैं और हमेशा ही बन के रहेंगे और आपने कहा कि एकदम दीवार बनकर पीछे खड़े रहे आप। जी, जी, उनके सारे वीडियो जो भी उन्होंने फिलोसफी के डाले हो या फिर जो भी वो उन्होंने कोविड के टाइम में डाले तो वो सारे मैंने देखे से नोट्स बनाए उन्हीं से एक आइडिया क्रिएट हुआ हम स्टूडेंट्स हैं मैम हमारा काम है सीखना और सीखने के लिए हमको किसी ना किसी को अपना आइडियल बनाना होता है और जब आपको गुरु ही ऐसा मिल जाए विकास सर जैसा तो फिर मंजिल तो हो, दूर न, न, नहीं होनी चाहिए